जो आतिशबाजी हुई, आप लोगों ने मिठाई बांटा, क्या कुछ कारण रहा और आप लोगों ने क्या क्या खुशी आज आप लोग बना रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी पिछले दो झारखंड में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद जिले के कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक जमीन से जुड़े नेता को प्रदेश की कमान सौंपी, इसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने का धन्यवाद। वहीं केशव महतो कमलेश अविभाजित बिहार के समय विधायक और मंत्री रहे हैं और झारखंड में 42% कुमरी वोट होने के बाद भी भाजपा केंद्र में मंत्री तक नहीं बना पाए। वहीं इस फैसले से झारखंड में कांग्रेस और मजबूत होगी। अगर ये फैसला कांग्रेस पार्टी पहले लेती तो 4 से 5 सीट कांग्रेस जरूर जीत जाती। वहीं इस फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आतिशबाजी हुई, आप लोगों ने मिठाई बांटा, क्या कुछ कारण रहा और आप लोगों ने क्या क्या खुशी आज आप लोग बना रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी पिछले 2-3 साल में जो सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने लगातार सड़कों पर और सदन में उठाया है, वो सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया है। और सामाजिक न्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है राजनीतिक भागीदारी। तो राजनीतिक भागीदारी की दिशा में केशव महतो कमलेश जी को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना एक बहुत बड़ा पहल है और राहुल गांधी जैसा नेता ही इस तरह की पहल को ले सकता था। ये ज्ञात हो कि झारखंड की सबसे बड़ी जातीय समूहों में से एक जो है वो कुर्मी समाज आता है और कुर्मी समाज को जिस तरह का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था झारखंड में, जिस तरह का राजनीतिक नेतृत्व तो मिलना चाहिए था, वो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं दिया था। एनडीए की तरफ से 2 कुर्मी सांसद हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं और विद्युत बरन महतो जी हैं, उसके बाद भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। तो लगातार एक बड़े सामाजिक समूह को झारखंड की राजनीति में आइसोलेट किया गया है और उनको मेनस्ट्रीम में नहीं लाया गया है। उस दिशा में आज एक रिड्रेसल करने का कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, इसके लिए हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। और कुर्मी समाज को राजनीतिक सशक्तिकरण देने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगा। केशव महतो कमलेश जी एक बहुत ही कर्मठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और कांग्रेस संगठन के एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता रहे हैं। कमलेश जी को झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के कारण पूरे झारखंड में खुशी का माहौल दौड़ गया। चाहे वो गरीब हो, गुरबा हो, हर जाति हर वर्ग के लोग, आज कांग्रेसी जो बहुत लोग विक्षुब्ध थे, आज सब लोगों के चेहरे पे एक रौनक आ गया कि एक जीता हुआ, जब विभाजित बिहार था उस समय वो मंत्री रहे, विधायक रहे और जमीन से जुड़ा हुआ, बरसों से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी में जो शुरू से जुड़ा हुआ रहता है उसको अच्छे पद पर दिया जाता है। और आज पूरे झारखंड में आदिवासी हो, कुर्मी हो, दलित हो, सारे लोगों को राहुल जी ने कमलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के एक अच्छा कायम दिया है, जिसके कारण इस बार ये पहले होता लोकसभा के पहले होता तो कम से कम झारखंड से 4-5 NP की और बढ़ोतरी होती, लेकिन अभी जो विधानसभा में विश्वास करके वेणुगोपाल जी, राहुल जी और हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो बनाया है, धन्यवाद, पूरे विधानसभा में 81 में हम लोग 40-45 सीट लाएंगे, अब बहुमत की सरकार बनेगी कमलेश जी के नेतृत्व। विधायक कैसा हो, विधायक कैसा हो,